कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। गौसुल आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफा ने शिकस्ता राहो कुश्ती, मदद कुल ख्वाजे उस्मान हारवनी, मदद कुल या मुइनुद्दीन चिश्ती। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के दे। ये जो अशआर मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, इनमें से बाज वो हैं जो अहले नजर अहले बसीरत हैं, बाज वो हैं कि उन्होंने औलिया अल्लाह की सोबतें अख्तियार की हैं और अपने तजुर्बात की रोशनी में इस बात को बयान किया है अशार की शक्ल में। रब तबारक व तआला जल्ला शानहू व मनवालहू ने इस कायनात हस्तबूत को पैदा फरमाया और इसमें उसने किसी एक सिस्टम को नहीं रखा, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के निजाम इसके अंदर रखे हैं और हर निजाम का ताल्लुक अलग अलग शख्सियात से है। इंसान की जरूरत के मुताबिक हवा का ताल्लुक है तो हवा के लिए किसी और को मुकर्रर किया, किसी को उसकी जरूरत के लिए रिस्क मुहैया करना जरूरी है तो रिस्क पर किसी और को मुकर्रर फरमाया, उसी के लिए पानी की जरूरत है तो पानी पे किसी और को मुकर्रर फरमाया। तो पहले तो बॉडी का इंतजाम किया गया सबसे पहले, यानी इंसान को भेजने से भी पहले जो इंसान की जरूरियात हैं पहले वो पैदा की गई, हवा पैदा कर दी गई, पानी पैदा कर दिया गया, रिस्क पैदा कर दिए गए, अशजार पैदा कर दिए गए, उसके बाद में सबसे आखिरी नौ जिसको कहा जाता है वो इंसान है। अब इंसान जब दुनिया में आया तो फिर उसको इल्म और अकल के जरिए से ये पता चला कि ये पानी इस्तेमाल करोगे तो प्यास बुझेगी, तो सांस लोगे तो हवा अंदर जाएगी, तो पेट के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, तो जिससे जरासीम जो अंदर के होंगे खतरनाक किस्म के वो मर जाएंगे और जिन जरासीमों को आना जाना है वो आना जाना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब भूख लगी तो मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट की शक्ल के अंदर मेवे जा मगजियात जो है वो सामने आए, उसे लोगों ने टेस्ट करना खाना शुरू किया, पता चला कि हाँ इससे ये सेहत होती है। और जब आदमी ने इंसान ने अपने आप को मेडिकली अंदाज से देखना शुरू किया और उसके बाद में चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके समझ में आया कि भाई इससे शुगर लेवल सही रहता है, इस चीज से ब्लड प्रेशर सही रहता है, इस चीज से कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है, इस चीज से हमें जो है वो जॉइंटिस नहीं होता है। तो अकल जैसे जैसे बढ़ती गई, शुरू जैसे जैसे तरक्की पकड़ता गया, वैसे वैसे इंसान ने अपने अंदर चेंजिंग पैदा करी। रब तबारक व तआला जल्ला शानहु व अम्मन वालहु ने इसी इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए पहले अंबिया व मुरसलीन के सिलसिले को कायम रखा और एक मुकर्ररा वक्त तक अंबिया व मुरसलीन अपने अपने जमानों में हिदायत अता फरमाते रहे। उसके बाद में अब इंसान तो चूंकि पैदा होते रहेंगे कयामत तक, पैदा इसका सिलसिला तो रुका नहीं है,
ये और बात है कि लोग नए नए फार्मूलों पे अमल करना शुरू करते हैं कि हम दो और हमारे दो, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं और इंडिया में तो खासकर लगा हुआ होता है कि हम दो और हमारे दो, ये डंडा लेके घूम रहे, जबकि इसके बरखिलाफ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतें और ज्यादा बच्चा देने वाली औरतों से निकाह करो, ये हदीस पाक मौजूद है। क्यों? इरशाद फरमाया कि जितने तुम्हारे बच्चे ज्यादा होंगे कल कयामत में मेरी उम्मतियों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी तो उस पर मुझे फख्र हासिल होगा, उसे मुझे और अंबिया के मुकाबले में इम्तियाज अदा किया जाएगा कि मेरी कसरत उम्मत की वजह से जो है मुझे मजीद इफ्तिखार की नेमत अता की जाएगी। तो इंसान अपने जहन और अपने अक्ल के मुताबिक जो जो उसकी जरूरत थी उन जरूरतों को पूरा करता रहा। अंबिया मुसलिम का सिलसिला एक जमाने तक मेरे आका के तशरीफ लाने के बाद में, चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बना करके भेजे गए, अब आपके बाद में कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन जो नबुवत के की तालीमात हैं, जो नबुवत के खतूत हैं, उन खतूत को कायम भी रखा गया है, लेकिन चूंकि जब जब नबी जाहिरी तौर पर माशरे में समाज में कम्युनिटी में रहता है तो बताता है कि भाई इधर को चलना है, ये काम करना है, ये नहीं करना। अब जाहिरी तौर पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, तो अब उनकी नियाबत जो है वो नियाबत वही काम करेगी जो जाहिरी तौर पर नबी और रसूल काम करते हैं। उसी नियाबत के जरिए से रब तबारक व तआला जल्ला शानहू व मनवालहू ने औलिया अल्लाह का सिलसिला शुरू किया, और विलायत को नियाबत मुस्तफा, नियाबत नबूवत, नियाबत रिसालत फरमाई गई, और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमानों में अल्लाह के मुख्तलिफ वली इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और अजीब गरीब कैफियत के हामिल, जैसे मैंने गुज़श्ता जुमे में अर्ज किया था कि कुछ तो जमाली और कुछ जलाली, कुछ जमाली कुछ जलाली, दोनों कैफियत के मालिक, दोनों मिजाज रखने वाले। और मैंने यह भी अर्ज किया था कि जितने औलिया अल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ये तशरीफ लाने वाले हैं, वो सब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन तीन इरशादात की रोशनी में ही अपना सलूक तय करेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया या आपने इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया था कि ऐ आका, मेरी दिली तमन्ना यह है कि मैं जब भी देखूं तो आपका चेहरा पाऊं, अपना माल किसी पे निछावर करूं तो वो आपकी जात, और मैं बैठूं तो आपकी सोबत। इन तीन चीजों की रोशनी में आप ये देखिए कि औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन जिनका हम आज उस मना रहे हैं, इनकी जिंदगियां क्या थी। हर एक को तो वली नहीं कहा जाता ना, हर एक गाड़ी वाले हर एक टोपी वाले को वली नहीं कहेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जरूर, उनके कुछ खवास, उनके कुछ औसाफ, उनकी कोई खास खसलतें ऐसी होती है, खास तबीयतें ऐसी होती है कि जुबान पर आ ही जाता है कि ये अल्लाह का वली है, दिल पुकार के कहता है ये खुदा का वली एक बंदा है, खुदा का कामिल बंदा है, खुदा का सच्चा बंदा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि बुजुर्गान दीन के अकवाल की रोशनी में, जैसे हम आज हैं, हम अगर पूछे भाई कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन करने से पहले पहले आपने जो तालीम का सिलसिला शुरू किया था एजुकेशन का अपना, तो कहां से, क्या आपने डायरेक्ट जाके ग्रेजुएशन के अंदर अप्लाई किया था, ये उससे पहले कुछ आपने तालीम हासिल करी थी? तो हर बताने वाला बताएगा कि मैं पहले प्राइमरी स्कूल से गुजरा, फिर मैं हाई स्कूल में गया, उसके बाद में मैं फिर यूनिवर्सिटी गया और तरक्की करते करते मैंने जो है वो ग्रेजुएशन हासिल किया है। ये तालीम का एक सिलसिला है, ये इर्तिकाई मंजिल है, ये कामयाबी पर हमकरार होने का एक रास्ता है।
कि पहली सीढ़ी पे चलो, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर पांचवी सीढ़ी। इसी तरीके से जब हम औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं और हर आदमी सुनता है और हर आदमी जानता है कि अभी यहाँ पे अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का वली। आपको ये पता होना चाहिए, एक अदना तबीयत रखने वाले शख्स को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का वली कौन होता है। मिनिमम किसी वली को, मैक्सिमम की तो कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम में तो वो फिर फना बिल्ला ही होता है और जिसमें फना हो रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है। अब ये अल्लाह जाने, बंदा जाने कि वो बंदे को किस मकाम पे पहुंचाए, तो मैक्सिमम नहीं बयान किया जा सकता, मिनिमम को बयान किया जा सकता है कि मिनिमम क्या है। मिनिमम जो बंदा होता है, मोमिन बंदा जिसको वली कहा जाता है, वो होता है कि जिसमें तमाए दुनिया ना हो, दुनिया की लालच नहीं, दुनिया की लालच नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, अपने को हर एक से हकीर जानता हो, अपने को समझिए कितना मोटा पर्सनालिटी का आदमी हो, दौलतमंद भी हो, बहुत बड़ा आलिम भी हो, बहुत बड़ा मुफस्सिर मुहद्दिस हो, लेकिन जिस मकाम की बात की जा रही है उस मकाम पर फाइज होने से पहले ये जो खसूसियात बयान की गई है उसमें होना जरूरी है कि अपने को सबसे कमतर जाने, सबसे अहकर जाने और बाकी सबको अपने से अफजल जाने। ये सिफत जब पैदा होती है तो उसके बाद में हासिल क्या होता है? शायद ने कहा है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये जो खुद ही है ना, ये जो मैं है ना, मैं हूं छू, हूं छू, अमड़े हूं छू, इस अमड़े हूं छू को जब बंदा खत्म करता है तब उसकी छू के अंदर भी असर पैदा होता है। आज जो मेरे बाबा घूम रहे हैं और छू छू कर रहे हैं तो छू छू से भी कुछ नहीं हो रहा, फू फू से भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर वो मैं है। जब जब मैं खत्म होती है तो फिर यकीनन यकीनन उस बंदे मोमिन के उस दम में वो असर मिलता है जो असर नबूवत के दम में होता है। हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बैजा दारी आज यकूबा हमदार दारी। वो कुछ दम वाले थे, कुछ हुस्न वाले थे, कुछ निगाह वाले थे। तो जब ये चीज पैदा होती है कि मैं कुछ नहीं, मुझसे हर एक चीज अफजल है, ये चीज। और उसका ईमान, ईमान कितना मजबूत चाहिए, कुरान करीम की आयत ने उसकी वजाहत फरमा दी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये तो उनका एक जाहिरी मिजाज बयान किया गया है, जाहिरी तौर पर एक मिजाज बयान किया गया है औलिया अल्लाह का कि क्या उनको ना कोई खौफ है ना कोई डर है। जैसे हमें आपको जाहिरी तौर पे सांप आ गया तो डर लगता है, बिच्छू आ जाए तो डर लगता है, एकदम आंधी तूफान आने लगे तो डर लगता है, फ्लड आ जाए तो डर लगता है। सुनामी से कितनी दुनिया डरी हुई है, आज तक रात को ख्वाब में नजर आ जाता होगा वो सीन तो सोती नहीं होगी। धरती कम आते हैं, अर्थक्वेक होता है, जलजले आते हैं, टोर्नेडो आते हैं, या अलग अलग किस्म के नाम रखे हुए तूफान, ये जब इनके मंजर सामने आते हैं लोगों की नींद गायब हो जाती है। अमरीका में अभी तक आए हुई है, कई दिन से लोग सोए नहीं है। तो ये जो जाहिरी चीजें हैं ना जिनसे हम डरते हैं, तो औलिया का ये जाहिर बयान किया गया है कि जाहिरी तौर पर जिन बड़ी बड़ी चीजों से तुम खाइब होते हो उससे भी बड़ी चीजें अगर इनके सामने आ जाए तो ये खौफ रखने वाले नहीं। क्यों? इसलिए कि ये उस मकाम पे फाइज होते हैं जिस मकाम की निस्बत के तहत एक आशिक ने कहा है कि इत्तकुल्लाह रफीकी ला वला खौफुन अलैक, तुझसे सब डर जाएंगे अल्लाह से तू डर के रहे। क्योंकि ये जिसके बंदे हैं ना ये उससे डरने वाले हैं, ये जिसके बंदे हैं उससे डरने वाले। जब ये उससे डर गए हैं तो अब दुनिया
की कोई शय इन्हें नहीं लड़ा सकती, दुनिया की किसी चीज से ये हाइव नहीं होते। सीरत की किताबों में आपने देखा होगा न मालूम क्या क्या लिखा हुआ है, बुजुर्गों के हालात, बुजुर्गों के अखबार, बुजुर्गों के इरशादात। और वली भी कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, चूंकि नायबे रसूल है, नायबे रसूल कोई मामूली चीज का नाम नहीं है। रसूल के फैजान का एक खास सिलसिला उस वली में जारी रहता है। और नबी के जितनी कसरत से मौजजात होते हैं, बाज औलिया को उतनी ही कसरत से करामात भी मिलती हैं। और वही रंग जो मौजजे का नबी का होता है, वली की करामत का भी वही रंग होता है। वली की करामत का भी वही रंग होता है। बस इतना जरूरी है कि नबी के लिए नबूवत के इजहार के लिए मौजजा लाजमी और जरूरी है, वली के लिए विलायत के इजहार के लिए करामत जरूरी नहीं है। करामत जरूरी नहीं। चुनाचे हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला की बारगाह में आप सैयदुत ताइफा हैं, बड़ा ऊंचा मकाम रखने वाले हैं, औलिया में बड़ी ऊंची शान के आप मालिक हैं। आपकी बारगाह में एक दोस्त आया, दो साल रुका रहा, दो साल के बाद कहा हुजूर कुछ करामत नहीं देखी। आपने फरमाया अच्छा ठहर जाओ। फिर दो साल गुजर गए, फिर उसके बाद उसने कहा हुजूर कुछ करामत नहीं देखी। आपने कहा ठहर जाओ। फिर दो साल गुजर गए, जब छह साल गुजर गए उसने कहा हुजूर अब तो मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं जो मकसद लेकर के आया था कि मैं अपने आपका बड़ा नाम सुना था, आप बड़े अल्लाह के वली, बड़े मशहूर जमाना है, लेकिन मैं छह साल तक जो है मैंने कोई करामत नहीं देखी, लिहाजा अब मैं चाहता हूं। आपने फरमाया था ये बता तू जा तो रहा है ठीक जा, लेकिन ये बता इस छह साल में, इस छह साल में मेरी फुल लाइफ जितनी भी छह साल की है 24 आवर तू मेरे साथ रहा है, रात में भी दिन में भी, बता कि मेरा कोई कदम मेरी जुबान शरीयत से हटके चली है, मेरा कदम या मेरी जुबान को तूने शरीयत की मुखालिफत में बोलते हुए सुना है या मेरे कदम को चलते हुए देखा है। कहा हुजूर नहीं, मैंने आपके कदम को अंदर शरीयत देखा, आपकी जुबान को हुदूद शरीयत देखा। आपने फरमाया इससे बड़ी करामत और क्या चाहता है, इससे बड़ी करामत और क्या है कि एक बंदा मोमिन अपनी जुबान को और अपने कदम को शरीयत के दायरे में रख करके जिंदगी गुजारता रहे, इससे बड़ी और करामत क्या है। आसमानों में उड़ना, पानियों पर चलना, हवाओं में उड़ना, इसका नाम करामत नहीं है। ये तो बहुत से छोटे छोटे परिंदों को, बहुत छोटी छोटी मखलूक को ये चीज हासिल है। असल करामत ये है कि बंदा हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में सब्र का मुजाहरा करता रहे, तहम्मुल का मुजाहरा करता रहे, काने कनात करने वाला रहे। एक बुजुर्ग की बारगाह में गालिबन हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उनसे पूछा भाई कैसा गुजर रहा है। तो कहा जी मिल जाता है तो खा लेते हैं, तो जो नहीं मिलता है तो शुक्र करते हैं। तो आपने फरमाया ये तो कोई खास शान नहीं, मैंने कभी तुमने विलायत की या अपने मकाम मनसब की, ये तो कुत्ते का हाल है, ये हाल तो कुत्ते का है। और कुत्ता भी दिन भर दरवाजे में बैठा रहता है, हड्डी डाल दी तो मिल गई, खाली नहीं खाली तो नहीं खाई। कहा तुम्हें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब मिले सब निशावर कर दो, जब आए सब लुटा दो, जब कुछ ना हो तब शुक्र करो। इस शुक्र की मंजिल पर जब बंदा पहुंचता है तो वो मकामे कानात होता है। जो औलिया अल्लाह बुजुर्गान सूफिया इकराम है, असल में ये होते हैं दूसरे रंग के, दूसरे रंग के होते हैं। इनकी नजरों के सामने से हिजाबात हटे हुए होते हैं, हिजाबात हटे हुए होते हैं। और हिजाबात हटने के बाद में जो चाशनी इन्हें मिलती है, उस चाशनी के मुकाबले में ये फिर किसी का ख्याल भी नहीं करते। उलमाए कराम की शान दूसरी है, उलमाए कराम की नजर हर वक्त कुरान व हदीस और सुन्नत पर रहती है, हालांकि इन सूफिया कराम की नजर भी वही होती है, लेकिन चूंकि वो जो चाशनी मिलती है ना वो रंग और तबीयत को बदल देती है। इसीलिए सूफिया इकराम का हर जमाने में जो है
नुकता चीनी, कुछ सुनवाइयां, कुछ इल्जाम, कुछ मुख्तलिफ किस्म की बातें उनके सामने आती रही है, लेकिन वो हजरात उनका जवाब देते रहे हैं। वो हजरात अपने अफाल से, अपने किरदार से या अपने कुछ मखसूस करामतों से उनका जवाब अता फरमाते रहे। जैसे हजरत सैयदना ख्वाजा खाकान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सन्जरगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका आज मुझसे बात भी हम मना रहे। अभी आपने सुना था अल्लामा मिसबाही साहब से, अरशद मिसबाही साहब से, कि उन्होंने कहा था कि मेरी मालूमात में कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया हो, 90 लाख लोगों को मुसलमान किया हो। मैं कहता हूं कि 90 लाख लोगों को मुसलमान करना ये ख्वाजा साहब का काम नहीं है। 90 लाख लोगों को मुसलमान करना ये ख्वाजा साहब का काम नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी का मौजिजा है। ये मेरे नबी का मौजिजा है, इसलिए कि हर वली की जो करामत होती है वो अख्ज होती है मौजिजे से। मौजिजे से ही उसका फैज होता है, जो वली के जरिए से जो है खल्क आदत के तौर पर कुछ जाहिर होता है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक से, या आपकी जुबानी मुबारक से, या आपकी लाइफ से, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, आपके कैरेक्टर से, ये जो लोगों ने 90 लाख में कलमा पढ़ा है, ये सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का काम नहीं है, बल्कि ये मेरे नबी का फैजान है, ये मेरे नबी का मुजजा है, ये मेरे नबी का मुजजा है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला, एक बात और भी याद रखिए, जिस तरीके से नबी की ये शान होती है कि नबी अपने लिए मुजजा नहीं दिखाता, अपने लिए मुजजा नहीं, बगैर मुतालबे के मुजजा किसी नबी ने नहीं दिखाया था जब तक के, और कौमों का ये मिजाज रहा कि आप ऐलान नबूवत जैसी जिस नबी ने रसूल ने किया है तो कौम ने फौरन मुतालबा किया जी मौजजा दिखाइए। तो जब तक कोई मुतालबा सामने नहीं आता, मौजजा सामने नहीं आता। इसी तरीके से बहुत से इलाके, बहुत से अदवार ऐसे गुजरे कि किसी की विलायत का शोहरा हुआ, लोगों ने वली कहा किसी को, माना भी, लेकिन कुछ करामत ऐसी जाहिर नहीं हुई। क्योंकि आजकल तो यह है कि चमत्कार को नमस्कार है, ये हिंदी का या संस्कृत का एक मकूला है कि चमत्कार है तो नमस्कार है, तो जो चमत्कार नहीं तो नमस्कार भी नहीं है। कसु जोया ते जावनू जावनू एवरीडे जावनू ने कसी ने भी जोया तो हूं जावनू हूं लेवानू छे जावनू हूं करवानू छे। तो कुछ जोता है आदमी तभी तो जाता है। अभी यहां से विंडो खुलेगी, हवा आएगी, तभी तो इसके पास आप जाएंगे। प्यास की हालत में पता चलेगा वहां पानी है, तभी तो जाएंगे। तो जहां कुछ भी नहीं तो वहां क्या करेंगे। तो बुजुर्गों की शान यह होती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं दिखाते, क्योंकि उनको अपना मामला पता होता है कि मैं किस मकाम पे हूं, किस मंजिल पे हूं, मेरा क्या होना है। जो कुछ वो दिखाते हैं खल्क़े आदत के तौर पर, वो लोगों के लिए होता है। हजरत हुसैन मंसूर हल्लाद अलैहि रहमतुल्लाह अपने वक्त के बड़े आशिक गुजरे हैं, और तारीख में शायद ही इस टाइप का कोई आशिक गुजरा जो इश्क इलाही में इस मकाम पे पहुंचा कि वो अनल हक का नारा बुलंद कर रहा। अब जो जाहिर बीन हल्लाद थे उन्होंने भी अपना काम करना था, क्योंकि वो भी गलती भी नहीं, उन्होंने बहुत पाला, लेकिन वो किस शान के मालिक थे, उनके लिए उनकी जिंदगी में क्या क्या चीजें जरूरी थी, उनके हालात तो वाकयात में जो सीरत निगार हालात में उन्होंने लिखा है कि वो हज के लिए तशरीफ ले गए अपने कुछ दोस्तों को लेकर के। रास्ते में खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया तो आपसे कहा गया कि हजरत खावा पीवा कुछ भी नहीं, बड्डू पटी ही रास्ते पानी भी नहीं ठीक, तो प्यास भी लग रही, तो नारे वजू भी करना है। आपने फरमाया अच्छा, आपने अपने कदम मुबारक को जमीन पर रगड़ा,
उसी वक्त चश्मा निकल गया रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में पानी का चश्मा। फिर कहा हुजूर अब खावा नु हूं करवानी छे, नहीं तो कसु नथी, न दूधी थे, न भिंडी छे, न खाटू मग छे, न पीटू मग छे, कुछ भी नहीं। आपने फरमाया अच्छा, आपके पास एक डंडी थी, आपने वैसी खड़ा कर दो। उसे खड़ा किया है कि थोड़ी देर में वो एक खजूर का बेहतरीन पेड़ बन गया, और ना कि सिर्फ पेड़ बना बल्कि उसमें उसी वक्त खजूर भी लगी, वो खजूरें पकी भी गई, और जो असहाब थे उन्होंने तोड़ी और तनावली फरमाई। एक सफर तो ऐसे गुजर गया, फिर मुड़ के दूसरा सफर हुआ, फिर लोग साथ में। इस बार हजरत रेगिस्तान के बजाय कोई ऐसी जगह से गुजरे जो पथरीली कंक्रीट का इलाका, जहां पर ट्री का पैदा होना पॉसिबल नहीं था। लोगों ने फिर वही कंप्लेन करी, हुजूर खावानु पीवानु बड्डू फटी ही हो, भूख लग रही बहुत जोर से, अब क्या करें, यहां तो कोई ग्रीन भी नहीं है, कोई घास भी नहीं, कोई ट्री भी नहीं। आपने फरमा अच्छा ऐसा करो, अपने अपने कपड़े बिछा दो मेरे चारों तरफ, और मुझे ऐसे हिलाओ जैसे पेड़ हिलाते हो। ये हजरत हुसैन फरमा रहे मंसूर हल्लाज कि जैसे पेड़ को हिलाते हो ऐसे मुझे हिलाओ। तो वो पेड़ जो खजूर का था उसे जब तुमने पिछले सफर में हिलाया था खजूरें गिरी थी, मुझे हिलाओगे तो मुझ में से भी खजूरें गिरेंगी। चुनाचे आपको जब हिलाया गया तो खजूरें ऐसी गिरी कि सबके कपड़े जो थे वो खजूरों से भर गए। तो वलियों को खाली मत समझना, अगर कोई वली खामोश रह करके छोनो न बहरा हुआ है तो ये मत समझना कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जिस दिन जलाल आ जाता है उस दिन पता नहीं फिर क्या से क्या होता है। हजरत गौसे आजम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का मामला भी ये कि आप खामोश थे, खामोश थे, कुछ नहीं भाई ठीक है, सिपाही ने रोक दिया या मत बैठो उठ जाओ यहाँ से, ठीक लौट गए साहब, अच्छा वहां बैठो जाके वहां बैठ गए। पानी पे जाकर देखिए भैया एक लोटा पानी लिया यार, वजू करना है, नमाज पढ़नी है या पीना है। लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ से आप पानी नहीं ले सकते। अरे भाई क्यों मुझे परेशान करते हो, मैं एक मुसाफिर हूँ, गरीब वतनी में हूँ, नया हूँ, परदेश में हूँ, मेरा देश भी नहीं है, न मेरा यहाँ खानदान है, न मेरा कुटुंब है, नहीं हम तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे। फिर जलाले गौसियत जलाले खासियत के सामने फिर कौन टिकता। फरमा दिया आपने जा भाई जा, ये जिस पानी की लहरों पर ये पूरी कौम नाश कर रही है, जरा जा तो सही मेरे कासे में उस पानी की लहरों को समेट के ला। तो एक खादिम को हुक्म दिया कि जाके तुझे कुछ करना नहीं, अब यहां खास गौर करने की जरूरत है कि वली सिर्फ हमारी निगाहों में वली नहीं होता बल्कि रब की हर मखलूक जानती है कि अल्लाह का वली है। वली सिर्फ हमारे आपके इल्म में नहीं बल्कि खुदा की मखलूक मखलूकात को इल्म दिया जाता है कि अल्लाह का वली है। चुनाचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद खास को जब एक कासा लेके भेजा था तो ये नहीं कहा था कि तू पानी में डाल के कासा भरना, नहीं बल्कि कासा किनारे में लेके खड़ा हो और देख मोइनुद्दीन का हुक्म इन पानी की लहरों पे कैसे चलता। पानी खुद चल के आता है, तुझे अब पानी भरने की जरूरत नहीं, पहले जब तू गया था तो पानी भरता अपनी मर्जी से फिर पानी तेरे कासे में आता, लेकिन अब तुझे कासा पानी में डालने की जरूरत नहीं है बल्कि पानी को हुक्म देना कि तुझे वो बुला रहा है कि जिसने उसको भेजा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों औलिया की शान और उनके मकामात बहुत अफजल, बहुत बुलंद, बहुत आला है। बस जिस बुजुर्ग की बारगाह से भी जो फैज मिले वो ले लेना चाहिए। रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदके से हमें और आपको औलिया के जिक्र में शुमूलियत और उनके फैजान से मालामाल हो।